इस वीडियो में भाई आपको दिखाने वाले हैं बजट प्राइस में मिलने वाला सबसे बेस्ट ट्रिमर। हर ब्रांड का ट्रिमर यूज करने के बाद एट लास्ट फिर से मैंने एक फिलिप्स का ही ट्रिमर पिक किया है, क्योंकि जैसी स्मूथ ट्रिमिंग फिलिप्स ट्रिमर में मिलती है वैसी परफॉर्मेंस आज तक मुझे किसी भी ब्रांड के ट्रिमर से नहीं मिली है। फिलिप्स ब्रांड ट्रिमर के मामले में सबसे पुराना खिलाड़ी है। फिलिप्स के ट्रिमर मार्केट में तब से मिल रहे हैं जब से शाओमी रियलमी जैसे ब्रांड पैदा भी नहीं हुए थे। देखो मेरा ओपिनियन यही है कि सारे ब्रांड्स अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं पर ट्रिमर के मामले में फिलिप्स चैंपियन है। अब इस ट्रिमर की मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंडर 1000 के बजट में मुझे ये सबसे बेस्ट ट्रिमर लगा है और डिस्काउंट प्राइस में मुझे ये ट्रिमर 779 में मिल गया है। अगर आपका बजट 1000 या उससे ऊपर है तो डेफिनेटली आप फिलिप्स का ट्रिमर ले सकते हैं, क्योंकि इस 800 रुपए के ट्रिमर से भी वैसा ही ट्रिमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जैसा 1500 वाले फिलिप्स के ट्रिमर से मिलता है। लुक वाइज भी ये बिल्कुल सेम है फिलिप्स के बीटी सीरीज के अदर महंगे ट्रिमर से। इसका प्राइस फिलिप्स के अदर ट्रिमर से थोड़ा कम है, इसलिए हल्का फुल्का फीचर्स को भी कम किया गया है। जैसे इसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है जिससे कई लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। अब प्राइस इसका कम है तो यार कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि 1000 में आपको अच्छी फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस वाले ट्रिमर लेना है ये ज्यादा शो ऑफ फीचर्स वाला, क्योंकि इससे कम प्राइस में भी कई ट्रिमर्स में रंग बिरंगे इंडिकेटर्स, डिस्प्ले और कई सारी एसेसरीज भी साथ में मिल जाती हैं। इस ट्रिमर के साथ तो सिर्फ एक माइक्रो एसबी केबल ही मिलेगी। अब कैसे पता करें कि ये ट्रिमर चार्ज हो रहा है या नहीं? तो भाई ये बिल्कुल सिंपल है, जब तक ट्रिमर में करंट पहुंच रही है तब तक ये ऑन नहीं हो सकता है बटन पुश करने पर भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि फिलिप्स ट्रिमर में 3 इयर्स की वारंटी मिलती है अगर आप इनकी साइट पर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देते हो तो। बाकी कोई भी ब्रांड 1 ईयर से ज्यादा की वारंटी नहीं देते हैं। अब मैं इसे यूज करके भी दिखा देता हूँ। मैं 3.5 mm लेंथ सेटिंग्स पर ट्रिमिंग करूंगा क्योंकि क्लीन शेव मुझ पर सूट नहीं करता है। फिलिप्स के इस ट्रिमर में भी कभी भी मुझे बाल फंसने का कोई इशू नहीं मिला है। अगर आप भी इस ट्रिमर को लेना चाहते हैं तो यार इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये कंघे बदलने वाला कोई ट्रिमर मत ले लेना वरना कम से कम 1.5-2 साल तक पछताना पड़ेगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।